तो आज हम लोग रिंग्स में होमोमॉर्फिज्म क्या होता है इस पे बात करेंगे। ये बेसिकली आप इसे नया चैप्टर समझ लीजिए रिंग थ्योरी में। आप इस चैप्टर में हम होमोमॉर्फिज्म और जो डिफरेंट आइडियल हैं, प्रिंसिपल आइडियल, प्राइम आइडियल और मैक्सिमल आइडियल और आपस में इंटर रिलेशनशिप, काफी हद तक कोसेंट रिंग से रिलेटेड चीजें भी हम समझेंगे। तो मैंने आप लोगों को होमोमॉर्फिज्म हाल ही में समझाया था वेक्टर स्पेस पढ़ाते समय, सॉरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में शुरुआत में, जो होमोमॉर्फिज्म क्या है और क्यों है। तो दो डिफरेंट रिंग है हमारे पास, मान लेते हैं एक रिंग आर है और हम उसमें नॉर्मली ऑपरेशन इस तरह से ले लेते हैं, और दूसरी रिंग आर डैश ले लेते हैं, उसमें ऑपरेशन ऐसे ले लेते हैं। अब हमें नहीं पता ये ऑपरेशन क्या है। मान लेते हैं दो रिंग, तो हम चाहते हैं कि दोनों में आपस में कुछ समानता है या नहीं है। तो एक मैप डिफाइन करते हैं और मैपिंग एफ फ्रॉम आर टू आर डेस स्क्वाड होमोमॉर्फिज्म। If ऑपरेशन दोनों में प्रिजर्व हो, दोनों ऑपरेशन पर, पहले में क्या होगा, ए प्लस बी इक्वल टू एफ ए ऑपरेशन एफ। ध्यान से देखिएगा, आर में पहला ऑपरेशन क्या है, मैंने प्लस साइन ले रखा है, आर डैश का पहला ऑपरेशन ये है। तो ए और बी जो एलिमेंट होंगे वो तो आर के होंगे, तो उनके बीच में तो ऑपरेशन पहला वाला है, प्लस लगेगा, और जो उनकी इमेजेस होंगी एफ ए और एफ बी, उनके बीच ऑपरेशन आर डेस्ट का जो पहला ऑपरेशन है वो लगेगा, ये समझना है। और दूसरा एफ ऑफ ए इंटू बी अगर है दूसरा ऑपरेशन, तो एफ ए और एफ बी के बीच यहाँ भी दूसरा ऑपरेशन, मतलब सीधी बात यह है कि ऑपरेशन प्रिजर्व रहेगा। तो यहां से आप कह सकते हैं दैट इज एफ प्रिजर्व्स, जो मैप है एफ उसकी बात हो रही है, एफ प्रिजर्व द, क्या लिखे हैं, द कंपोजिशन, द कंपोजिशंस, दो कंपोजिशन, द कंपोजिशंस ऑफ आर एंड आर डैश, तो उनके जो आपस में कंपोजिशन है वो प्रिजर्व रहेंगे, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो एलिमेंट आर के लेंगे तो कौन से ऑपरेशन लेंगे, और आर डैश के लेंगे तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन कौन से ऑपरेशन लेंगे, ये कहा गया है। अगर ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है और ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है, तो हम कह सकते हैं कि आर डैश इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ आर। होमोमॉर्फिज्म तो ठीक है, आपने ये दे दिया, लेकिन ये ऑन टू भी हो सकता है, इन टू भी हो सकता है। आर डैश इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ आर इफ होमोमॉर्फिज्म इज क्या, कैसा हो, हेलो मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है, यस सर। इफ होमोमॉर्फिज्म इज वन वन मैपिंग है वो, तो मैपिंग वन वन हो सकती है, इट इज कॉल्ड ऐसा आइसोमॉर्फिज्म। फिर आइसोमॉर्फिज्म में भी अगर ऑन टू हो जाए तो आर डैश इज आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ आर इफ एफ इज
ऑन टू आइसोमॉर्फिज यस सर। ये एफ जो ऑन टू भी है और आइसोमॉर्फिज्म भी है तो वो आइसोमॉर्फिक इमेज हो जाएगी। अगर ऑन टू के बारे में श्योर नहीं है तो आइसोमॉर्फिज्म में बोलिएगा बस, ऐसा भी हो सकता है ना कि ये आर है, ये आर डैश है, इसमें ए वन ए टू एन है, इसमें एफ ऑफ ए वन से लेके एफ ऑफ ए एन तक तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी कुछ एलिमेंट है, एफ ऑफ बी वन से लेके एफ ऑफ बी आर तक, तो वन वन मैपिंग तो है ही ना आइसोमॉर्फिज्म में, तो कह सकते हो, ऑन टू नहीं बोल सकते। ऑन टू अगर हो तभी आप आइसोमॉर्फिक इमेज कहेंगे, और यही बात ग्रुप में भी थी, यही वेक्टर स्पेस में भी है, सारी चीजें कॉमन है। तो अब खास बात क्या है मतलब उसमें समझाने के लिए कि होमोमॉर्फिज्म में कहीं भी हो, कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो, अगर होमोमॉर्फिज्म में है तो फिर भाई आइडेंटिटी आइडेंटिटी पे ही मैप करेगी वाली चीजें यहां भी हो। इनवर्स वाली मैंने बताई थी कंडीशन अलग अलग तरीके से बार बार, तो अब यहाँ बताने का कोई फायदा नहीं है, फिर भी सीखना है तो एक बार पीछे जाके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देख लो लीनियर अलजेब्रा में। अब होमोमॉर्फिज्म में कुछ एग्जांपल हैं, फॉर एग्जांपल एफ फ्रॉम आर टू आर मैपिंग आर से आर है सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एच सी है आइडेंटिटी मैप, तो ये होमोमॉर्फिज्म है, इसमें कोई डाउट है? ऑब्वियसली इट इज अ होमोमॉर्फिज्म। तो मेरे ख्याल से ये तो वैसे ही चेक हो जाएगा। दूसरा एफ फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू ई डैश, ये जीरो लिख लो स्टूडेंट, जीरो बिलोंग्स टू आर, आर ही तो है दोनों साइड, ठीक है, तो हर एलिमेंट जीरो पे मैप कर, तो ये आपके पास होमोमॉर्फिज्म होगा या नहीं? होगा सर, आर से आर में ही है, ये भी आर है, ये भी आर है, और इस आर का हर एलिमेंट केवल जीरो पे मैप हो रहा है, सभी जीरो पे मैप हो गए, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये होमोमॉर्फिज्म में है ना? यस सर, यस। तो कर्नेल अगर ढूंढेंगे इस बार तो पूरा का पूरा आर ही मिल जाएगा? यस सर। और आइडेंटिटी मैप में कर्नेल ढूंढते तो केवल आइडेंटिटी होती सर, आइडेंटिटी जीरो पे केवल जीरो जाएगा वाली बात जो है वो हर जगह है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए लेट जेड रूट टू, मेरे पास क्वेरी है, इसका मतलब है ए प्लस बी रूट टू, जहां ए और बी जेड के पार्ट होंगे, ए और बी इंटीजर होंगे, ये रिंग है, एक क्वेश्चन होता है, इट इज अ रिंग, ये भी क्वेश्चन प्रूफ किया जा सकता है या आपने किया होगा? यस सर, किया है रिंग वाले सवालों में। अब मैंने मैप डिफाइन किया है एफ फ्रॉम जेड रूट टू से जेड रूट टू सच दैट एफ ऑफ
ए प्लस बी रूट टू, जैसे कोई एलिमेंट लिया तो उसकी इमेज ए माइनस बी रूट टू है। प्रूव दैट एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म। तो ये छोटा सवाल है, तो ये होमोमॉर्फिज्म है, प्रूव करिए। तो कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो दो एलिमेंट ले लीजिए, लेट एक्स और वाई दो एलिमेंट है जेड रूट टू, सच दैट एक्स मान लेते हैं ए वन प्लस बी वन रूट टू और वाई मान लेते हैं ए टू प्लस बी टू रूट टू, वेर ए वन ए टू बी वन बी टू सब क्या होंगे? इंटीजर्स। तो एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ ए वन प्लस बी वन रूट टू कितना है? ए वन माइनस बी वन रूट टू। बी वन रूट टू, बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चन है ये। एफ ऑफ वाई एफ ऑफ ए टू प्लस बी टू रूट टू, तो ए टू माइनस बी टू रूट टू। नाउ ए एक्स प्लस बी वाई, इस एट साथ ही चढ़ दें, एट साथ भी किया जा सकता है। यहाँ ए एक्स लिखना सही रहेगा। हाँ चलो ठीक है, दो कंडीशन एक साथ भी की जा सकती है। ए एक्स का मतलब ए वन प्लस बी वन रूट टू प्लस बी वाई का मतलब ए टू प्लस बी टू रूट टू, ये हो जाएगा ए ए वन प्लस बी ए टू, एक साथ ले लेता हूँ, प्लस ए बी वन प्लस बी बी टू रूट टू, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, अगर आप इसकी इमेज लेंगे आप एफ ऑफ ए ए वन प्लस बी ए टू प्लस ए बी वन प्लस बी बी टू, तो डेफिनेशन से आ जाएगा ए ए वन प्लस बी ए टू माइनस ए बी वन प्लस बी बी टू रूट टू। अलग अलग कर दीजिए, ए ए वन माइनस ए बी वन रूट टू एट साथ पहला पहला, प्लस बी ए टू माइनस बी बी टू रूट टू, तो ए कॉमन ए वन माइनस बी वन रूट टू, बी कॉमन ए टू माइनस बी टू रूट टू, तो ये एफ एक्स हो जाएगा और ये एफ वाई, एंड दिस इज ट्रू फॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला ही काम है बच्चों, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू बी, वही रिंग है ये, यहाँ तो एक ही स्ट्रक्चर है तो उसी का हो फॉर एवरी एक्स वाई। तो हमने एच ई में काम चला दिया। आप लोगों में से किसी के दिमाग में ये बात आ सकती है कि आप यहाँ पर एफ लिख रहे हैं होमोमॉर्फिज्म के लिए, और जब लीनियर अलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं तो टी लिख रहे हैं, ऑपरेटर भी कह रहे हैं उसको, तो ये क्या खेल है? ये इस पर हम लीनियर अलजेब्रा में बाद में बात करते भी हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाले चैप्टर में ही बात होती है। होता क्या है बच्चों, जो वेक्टर स्पेस से वेक्टर स्पेस में अगर कोई मैप हो तो उसको ऑपरेटर कहते हैं, और वेक्टर स्पेस से अगर फील्ड में कोई हो, अब आप कहेंगे वेक्टर स्पेस से वेक्टर स्पेस में तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फील्ड से फील्ड में भी होता है,
हो सकता है, क्योंकि कोई भी फील्ड अपने ऊपर भी वेक्टर स्पेस होता है, तो उस समय फिर टी नहीं लिखते हम, क्या लिखते हैं, इसको बोलते हैं फंक्शनल, लीनियर फंक्शनल, और टी को क्या बोलते हैं, लीनियर ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर क्या करता है बच्चों, मैप कहां से कहां होता है, वेक्टर स्पेस टू वेक्टर स्पेस, हाँ, और लीनियर फंक्शनल में सर वेक्टर स्पेस टू फील्ड, वेक्टर स्पेस टू फील्ड। अब आप कहेंगे वेक्टर स्पेस टू फील्ड कैसे डिफाइन हो सकता है, तो आप कहेंगे कि वेक्टर स्पेस टू फील्ड डिफाइन हो सकता है क्योंकि फील्ड इज ऑल्सो अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ, तो एफ ओवर एफ भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना, तो एफ ओवर, हाँ एफ ओवर एफ, तो लीनियर फंक्शनल। इसीलिए बच्चों फंक्शनल एनालिसिस एक पेपर है, फंक्शनल एनालिसिस में फंक्शनल पे फोकस होता है, फंक्शनल पे फोकस होता है मतलब आप खुद ही समझिएगा, तो फंक्शनल एनालिसिस क्या है। ऑपरेटर थ्योरी थोड़ा ज्यादा एडवांस है, क्योंकि ऑपरेटर थ्योरी की जब आप बात करेंगे तो क्या होगा, ऑपरेटर थ्योरी में दोनों साइड वेक्टर स्पेस होंगे, ये बात समझ रहे हैं? यस सर, यस। तो ये डिटेल हम बाद में बात करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। तो कई लोगों को ये होता है कि कभी आप टी पढ़ा रहे हैं कभी एफ पढ़ा रहे हैं, तो उसके सिंबल के पीछे वजह है, जब ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी पढ़ाते हैं तो होमोमॉर्फिज्म में हम हर जो एफ जी एच फाइव ये सिंबल यूज करते हैं, जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाते हैं तो नॉर्मली हम टी प्रेफर करते हैं। तो क्या मैं समझा पाया? यस सर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हम जिसको आर कह रहे हैं पहले रिंग, वो हम मान लेते हैं रिंग ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, रिंग ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एंड आर डैश लेते हैं रिंग ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस, ऑफ द फॉर्म ए पी माइनस पी ए, वेयर आर भी रियल नंबर है, ये आर ये वाला है, मतलब आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, एम टू आर कहना उचित नहीं है क्योंकि एम टू में सारे पॉसिबल हैं, इसमें खास तरह का आर है। देखिए बिल्कुल अलग चीज है, एक तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कलेक्शन जो है ऑर्डिनरी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में रिंग होता है हम जानते हैं, दूसरी तरफ 2x2 मैट्रिसेज है वो भी एक खास तरह के हैं, और जहां ए और बी रियल नंबर है, इंटीजर होना जरूरी नहीं, ठीक हो गया, प्रूव दैट द मैपिंग एफ फ्रॉम आर टू आर डैश सच दैट, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करिए एफ ए प्लस आई बी और इक्वल टू चाहेगा वो ए माइनस बी ए, ये जो होमोमॉर्फिज्म, ये हमें प्रूव करना है।
तो आसान सवाल है ये भी। चलो आप आसानी से कर सकते हैं, दो ही तो बेसिक प्रॉपर्टीज लेनी है, दो एलिमेंट ले लीजिए, लेट एक्स मान लीजिए प्लस आई बी, वाई दूसरा, या ए वन प्लस आई बी वन, वाई ए टू प्लस आई बी टू। एक्स और वाई आर के एलिमेंट होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहीं पर लिख लेता हूँ एफ ऑफ एक्स हमारे पास होगा ए वन बी वन माइनस बी वन और ए वन, और एफ ऑफ वाई ए टू बी टू माइनस बी टू और ए टू। अब आपकी इच्छा, अलग अलग करें या एक साथ करें, अगर अलग अलग करना है तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो एफ ऑफ ए वन प्लस आई बी वन प्लस ए टू प्लस आई बी टू, एफ ऑफ ए वन प्लस ए टू प्लस आई टाइम्स बी वन प्लस बी टू। तो अब इस हिसाब से क्या होना चाहिए, ए वन प्लस ए टू बी वन प्लस बी टू माइनस माइनस बी वन प्लस बी टू और ए वन प्लस ए टू। यस सर। तो ए वन बी वन माइनस बी वन ए वन में दूसरे दूसरे टर्म ए टू बी टू माइनस बी टू और ए टू जोड़ के यही आएगा। यस सर। दूसरा, आप कैलकुलेशन है, मैं कर नहीं रहा हूं, एक्स यस एक्स सर। वाई करेंगे, एक्स और वाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट आएगा, और आप दिखाएंगे इधर एफ एक्स और एफ वाई का प्रोडक्ट, दोनों को मल्टीप्लाई अलग अलग कर दीजिएगा, दोनों तरफ बराबर आ जाएगा। ये आते ही आप कह देंगे कि ये एफ जो है होमोमोर्फिज्म है, बस हो गया, इतना ही करना है होमोमोर्फिज्म में। तो बहुत आसान चीजें हैं मेरे ख्याल से, आसानी से हो जाने चाहिए। अच्छा, कई ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हैं जो लीनियर एलजेब्रा में तो लगते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होंगे, लेकिन इन जनरल रिंग थ्योरी में होमोमोर्फिज्म हो जाते हैं, क्योंकि यार लीनियर का जो टॉपिक है वो वहां भी बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर सारे होमोमोर्फिज्म ले लेते हैं एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस में, तो उनका क्या किया जा सकता है, आज हम वहां ये देखेंगे लीनियर में। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम आज, देखिएगा, लेट आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग। ये अच्छा है कि दोनों पेपर एक साथ चल रहे हैं और दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें चल रही हैं, कम्यूटेटिव रिंग सच टू एक्स इक्वल टू जीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। इसको क्या नाम देते हैं मालूम है, रिंग की करेक्टरिस्टिक टू है, पढ़ाया था मैंने इस बार, यस सर। यस सर। ठीक। दो बार सम करने पे हर एलिमेंट जो है वो फॉर एवरी एक्स लिखा हुआ है, जीरो आ रहा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है कभी। तो अब आपको मैपिंग कैसी दी है, एफ फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ होमोमॉर्फिज्म। आप देखिए हर ब्रांच के साथ कुछ खास चीजें हैं जो दूसरे में नहीं पड़ी गई है। अगर लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस में डायमेंशन शब्द आया तो वो कहीं ग्रुप और रिंग में नहीं है, अगर करेक्टरिस्टिक वहां आया रिंग थ्योरी में तो वो आपको वहां नहीं दिखा वेक्टर स्पेस में। हर एक के पास कुछ अपने टूल्स भी हैं, बहुत सारी चीजें समान हैं लेकिन बहुत सारी चीजें अलग भी हैं। डायमेंशन शब्द आप निकाल ही नहीं पाए रहें ग्रुप में रिंग में क्या होता होगा, क्योंकि ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, वो लीनियर है नाम से क्लियर है।
ठीक है, तो इसे चल के देखते हैं। लेट एक्स वाई दोनों आर में है, तो इसका मतलब हुआ कि जो एफ एक्स है वो एक्स स्क्वायर है और जो एफ वाई है वो वाई स्क्वायर है। ठीक हो गया। नाउ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा? एक्स प्लस वाई का होल होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो एक्स स्क्वायर सीधे एक्स टाइम्स एक्स प्लस वाई, वाई टाइम्स एक्स प्लस वाई। ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। किसी को डाउट है? आप इस एक्स प्लस वाई को लैम्डा समझ लीजिए, तो एक्स लैम्डा प्लस वाई लैम्डा आ रहा है ना। अब है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आप इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई टू आर इज कम्यूटेटिव रिंग। नहीं तो नहीं लिख सकते। तो आप ये सीधे अलजेब्रा में हमें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है टाइप का मत कर दीजिए ना प्लीज। अरे भाई वो मुझे भी आता है, लेकिन ये रिंग थ्योरी चल रही है, कम्यूटेटिव है तभी कर सकते हैं। छोटी क्लास में तो नंबर होते हैं और नंबर का एडिशन मल्टीप्लीकेशन हमेशा ही कम्यूटेटिव होता है, छोटी क्लास में तो चल जाता है सब। अब एक्स और वाई दोनों किसके एलिमेंट हैं? आर। तो एक्स इंटू वाई किसका होगा? आर। तो टू टाइम्स एक्स वाई, क्योंकि कोई भी एलिमेंट टू टाइम्स हो तो जीरो है ना, सबसे ऊपर लिखा हुआ है ना, मैंने सबसे ऊपर वाली प्रॉपर्टी पे फोकस करिए। कोई भी अगर रेंट का एलिमेंट है तो उसको टू से मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा है, तो टू एक्स वाई जीरो होगा ना। यस सर। तो फिर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कितना बचा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो मतलब ये एफ एक्स प्लस एफ वाई आया या नहीं? यस सर। एक तो हो गया, अब दूसरा करते हैं। f of x y given condition से x y का whole square? Yes sir। फिर x square y square, ऐसा क्यों लिखा? सर कम्युनिकेटिव ग्रुप। हाँ फिर कम्युटेटिव होने की वजह से, अगर कम्युटेटिव नहीं होता आप नहीं लिख सकते ऐसा। तो f x f y तो f is homomorphic। तो करेक्टरिस्टिक टू अगर नहीं होती तो क्या हम लिख पाते? नो सर। तो ये एक अच्छा एग्जांपल था जिसमें करेक्टरिस्टिक का एप्लीकेशन भी हो गया और उस करेक्टरिस्टिक की वजह से ये मैपिंग होमोमॉर्फिज में हो गई। अगर ये लीनियर में होता तो आप सोचिएगा। क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता? No, sir। तो नहीं होता। अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं। एफ जेड टू से जेड टू सस्टेड एफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन। ये हो जाएगा, आप लोग खुद भी कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। जेड टू का मतलब समझते हैं ना, ऑपरेशन क्या लगेगा? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो टू। अच्छा तो मान लेते हैं दो m और n दो z2 में एलिमेंट मान लीजिए आप, तो fm कितना होगा? m स्क्वायर माइनस और fn तो दिया ही है,
तो एफ ऑफ एम प्लस एन कितना होगा? एम प्लस एन का स्क्वायर माइनस एम प्लस एम प्लस एन का स्क्वायर, अभी जैसे सबसे ऊपर वाली लाइन देखो वैसे ही करोगे तो क्या मिलेगा, जरा सोचो। सबसे एम ऊपर स्क्वायर प्लस एम एम एन स्क्वायर प्लस एन एम प्लस एन स्क्वायर, ये मिलेगा यस सर माइनस जेड एन। टू बी तो जेड टू कम्यूटेटिव रिंग हुई है नहीं, यस सर तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस टू एम एन माइनस एम प्लस एन एज जेड टू इज कम्यूटेटिव रिंग, ठीक हो गया भाई। तो आप इसे एम स्क्वायर माइनस एम प्लस एन स्क्वायर माइनस एन, ये तो ठीक है, 2 mm। ऑपरेशन जो है 2 mm जो होगा वो अगर कॉन्कुरेंट स्टिल लैंग्वेज में लिखो मॉड्यूलो 2 पे तो क्या दे देगा, जीरो ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं ये बता दो यार, टेंशन यस सर में। अरे 2 से डिवाइड हो जाएगा वो, अब नंबर वैसे बताए इसकी करेक्टरिस्टिक भी टू थी बिल्कुल उसी लॉजिक से था, जानबूझ के मैंने नंबर थ्योरी का लॉजिक दिया कि जेड टू का करेक्टरिस्टिक 2 ही होगा, जेड एन का करेक्टरिस्टिक एन होगा, तो एन टाइम तो सभी 0 दे देंगे वहां, तो ये चीज भी समझने की जरूरत है। तो मैंने सर जानबूझ के किया दूसरा लॉजिक, आपके पास जेड एन है तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो एन ही होगी, एन टाइम्स कोई भी एड्स आप लेंगे तो वो 0 ही आएगा, फॉर एवरी एड्स बिलोंग्स टू जेड एन, तो इसे समझिएगा। हो गया फिर, अगर ऐसा है तो ये एफ एम है और ये एफ एम है, तो समझाने लायक बात यही थी इसमें। दूसरा ऑर्डिनरी है, मल्टीप्लाई कर लेंगे आप लोग, एफ ऑफ एम एन आपके हिसाब से क्या हो जाएगा, एम एन स्क्वायर माइनस एम एन, यस अब क्योंकि आर कम्यूटेटिव है तो एम स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस एम एन। अच्छा तो एफ एम एफ एन भी कर लेते हैं, बराबर ही वैसे नहीं आ रही तो ऐसे सही, एम स्क्वायर माइनस एम एन स्क्वायर माइनस एन, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, अब मैं सीधे कर दे रहा हूँ, एम स्क्वायर माइनस एम एन स्क्वायर प्लस एम एन। अच्छा एम स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस एम एन, प्लस टू एम एन माइनस एम स्क्वायर एन माइनस एम एन स्क्वायर, ये 0 हो गया। अरे भाई प्लस एम एन था ना, यस सर मैंने माइनस एम एन प्लस 2 mm लिख दिया, तो 2 mm तो 0 हो गया ना फिर। यस सर अभी भी गड़बड़ है यार, क्योंकि 4 में से 3 टर्म नेगेटिव आ रही हैं, तो फैक्टर कैसे होंगे, कुछ और थोड़ा सोचो। अच्छा लास्ट 2 टर्म नहीं आनी चाहिए ना ऊपर के हिसाब से,
तो उनमें माइनस एम एन कॉमन ले लेंगे तो एम प्लस एन आएगा, तो फिर ये तो ठीक है, एम स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस एम एन आना इतना ही चाहिए था, तो बाकी ये कैसे हटेगा भाई, एम प्लस एन ये हट जाता तो बन जाता, बस ये हटना चाहिए। एम एन टाइम्स एम प्लस एन और आपके पास है ऋण जेड टू। जेड टू में आपके पास जो है वो एलिमेंट है जीरो और वन, ऑपरेशन ये है। अगर मैं एम और एन दोनों वन ले लूं तो ये जीरो आ जाएगा, क्योंकि एम और एन दोनों वन हो जाएंगे तो अंदर टू आ जाएगा, तो जीरो होगा ना। अगर मैं एम को वन और एन को जीरो लूं तो जीरो ही होगा। ये उल्टा भी कर सकते थे, एम को जीरो और एन को वन। हाँ हो गया यार, अगर मैं एम और एन दोनों को जीरो लूं तो इसने जीरो आना ही आना है। अरे वाह, तो हर स्थिति में लास्ट जीरो हो टाइम। रही है ना टर्म। यस सर, एम एन टाइम्स एम प्लस वन एन को आप देख लीजिए, आप क्या क्या रख सकते हैं एम और एन, परमुटेशन लगा लीजिए, दोनों को वन, एट को वन एट को जीरो, तो दो जीरो होना ही, और दोनों जीरो तो भी जीरो होना है, तो ये हर स्थिति में जीरो हो जाएगी। सेकंड प्रूफ हो गया, वाह अच्छा सवाल था। अच्छा वाह, इसने जेड टू ही लिया, अगर ज्यादा लेता तो बहुत ही ज्यादा परमुटेशन होती। तो बच्चों ये क्लियर है यहां तक? यस सर। चलो ठीक है, फिर अभी इतना ही करते हैं, अब हम लोग 8 बजे जुड़ते हैं फिर। थैंक यू।